नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएक्स टीवी। मैं हूं निशा। बात करेंगे बड़ी खबर में कौन सी खबर रही सुर्खियों में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री कन्हैया लाल अग्रवाल के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कन्हैया लाल अग्रवाल के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और शोकाकुल परिवार को इस दुख की घड़ी को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है। राजनांदगांव में कन्हैया लाल अग्रवाल का आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। रायपुर में जगह जगह पर पुलिस की निगरानी, सख्त लॉकडाउन का दिखा नजारा। राजधानी के नागरिकों को कोरोना से बचाने के लिए प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ पुख्ता इंतजाम किया है। जगह जगह बैरिकेडिंग के साथ वन वे रोड से आवाजाही के साथ लोगों की घर से बाहर निकलने की जवाबदेही का सख्ती से पूछताछ नगर के चौक चौराहे में देखा गया। जिला प्रशासन ने नागरिकों के सख्ती के साथ लॉकडाउन का पालन करवाने की दिशा में हर तरह का कदम उठाए हैं, जिससे कोई भी नागरिक फालतू बेवजह नहीं घूम सकेगा। फालतू घूमते पाए जाने पर सीधे जेल भेजने की कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन ने रायपुर जिले के आम नागरिकों से अपील की है कि राजधानी में कोरोना संक्रमण से बचाव में आप सभी अपनी जागरूक एवं आत्मनियंत्रण के माध्यम से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। कोरिया जिले में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने दिया सामूहिक इस्तीफा। शासन द्वारा सकारात्मक कदम नहीं उठाने और कार्यवाही का विरोध। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने यहां सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। कर्मचारियों ने एक सूत्रीय मांग को लेकर त्याग पत्र दिया है। शासन द्वारा सकारात्मक कदम नहीं उठाने और कार्यवाही किए जाने के विरोध में कर्मचारियों ने ये कदम उठाया है। कर्मचारियों के इस्तीफे के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जनकपुर में स्वास्थ्य सुविधा प्रभावित होगी। बता दें कि इसके पहले स्वास्थ्य विभाग में NHM के 16 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है, जिसके बाद नाराज कर्मचारी आज सामूहिक इस्तीफा दे सकते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। छत्तीसगढ़ सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गई है। जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद वे होम आइसोलेशन में रहकर अपना उपचार करा रही हैं। जानकारी के मुताबिक अनिला भेड़िया ने कोरोना के लक्षण मिलने पर स्वयं की कोरोना की जांच कराई थी। जांच रिपोर्ट पॉजिटिव मिलने के बाद उन्होंने स्वयं को होम आइसोलेशन कर लिया। इस दौरान उन्होंने अपना उपचार भी शुरू करा लिया है। 24 घंटे में रिकॉर्ड 1,00,000 मरीज ठीक हुए, 75,000 नए संक्रमित, लगातार 20वें दिन 1,000 से ज्यादा मौत। भारत में पिछले 4 दिनों से लगातार नए कोरोना संक्रमितों से ज्यादा ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है। डेली रिकवरियों की इस उच्च दर ने भारत को दुनिया भर में रिकवर केसों के मामले में सबसे टॉप स्थान पर पहुँचा दिया है। देश में पिछले 24 घंटों में 75,083 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं और 1,053 लोगों की जान भी चली गई है। 2 सितंबर से लगातार देश में 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। अच्छी खबर ये है कि 24 घंटे में अब तक रिकॉर्ड 101,468 मरीज ठीक भी हुए हैं। राज्यसभा में सस्पेंड सांसदों का धरना, कहा अडानी अंबानी के हाथों बिकी सरकार। कृषि बिलों पर चर्चा के दौरान रविवार को राज्यसभा में हंगामे से नाराज सभापति एम वेंकैया नायडू ने 8 सांसदों को 1 सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया है। सस्पेंड किए सांसदों ने कांग्रेस के 3, तृणमूल कांग्रेस और CPI के 2-2 और आम आदमी पार्टी का 1 सदस्य शामिल है। ये सभी सांसद अब संसद परिसर में धरने पर बैठ गए हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि किसानों के खिलाफ काला कानून लाने वाली ये सरकार उद्योगपतियों के हाथों बिक गई है। रिया को जेल से छुटकारा नहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट ने 6 अक्टूबर तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की आज रिया और शोविक समेत 6 आरोपियों की बॉम्बे हाईकोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने सभी आरोपियों की 6 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। रिया चक्रवर्ती ने बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत की याचिका फाइल की है, लेकिन अभी इस अर्जी पर सुनवाई नहीं हुई है। जमानत याचिका पर सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं हुई है। खास बात यह है कि ड्रग्स एंगल से सुशांत मामले की जांच कर रही NCB ने रिया और शोविक को रिमांड पर लेने की कोर्ट में कोई अपील नहीं की। ड्रग्स चैट पर दीपिका पादुकोण की बड़ी मुश्किलें, पूछताछ की तैयारी में NCB।
कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के ड्रग चैट के आधार पर अब एनसीबी ड्रग से जुड़े बड़े ड्रग पेडलर्स तक पहुंचना चाहती है। मामले में दीपिका पादुकोण से भी एनसीबी पूछताछ कर सकती है। आज की बड़ी खबरों में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे आने वाले वीडियो की अगली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करिए।